स्वागत बी टाउन में जोर शोर से हो रहा है और ऐसे में डेज़ी शाह के हम घर पे हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार और आदर से बप्पा को घर पे लाई हैं और उन्होंने बप्पा की आरती की है और इस वक्त हमारे साथ हैं खुद डेज़ी आपका बहुत-बहुत स्वागत है E24 पे थैंक यू वेरी वेल आप कैसे हैं बढ़िया ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड एक्सपीरियंसिंग दी आरती ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे वैसे थैंक यू थैंक यू हाउ वाज योर बर्थडे अगर पहले अगर बताना चाहे uh, मैं यू you नो know, मेरा हमेशा से एक ये सवाल रहा है मतलब खुद से लोगों से क्या स्पेशल है बर्थडे में मुझे समझ में नहीं आता मेरे लिए इट्स जस्ट अनदर डे और आई uh, थिंक uh, वो एक ग्रेटफुल फीलिंग है कि यू you नो know, भगवान ने एक और साल ज़िंदगी का बहुत अच्छे से कटवा दिया तो बस यही होता है और कुछ नहीं और क्योंकि आई थिंक बर्थडे जिसका होता है ना उससे ज़्यादा आजू बाजू के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं <laughs> तो uh, हम लोग फैमिली डिनर के लिए गए थे दैट्स इट नथिंग मोर देन दैट इस साल बप्पा आए हैं आपके घर में आ, बीच में पैंडमिक भी था बहुत सारे लोगों का स्ट्रिक्टली हम फॉलो कर रहे थे कि ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए इस साल कितने सारे आपके फैमिली मेंबर्स की गैदरिंग हो रही है और कैसे सेलिब्रेट आई एम सो थैंकफुल कि हम वापस नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं और uh, ये टाइम पूरा गुजरात से जितने भी मेरे रिलेटिव है तीस पैंतीस जन सारे आए हुए हैं एंड इट्स लाइक अ फुल हाउस और कजन्स सारे कजिन् एक साथ मिले तो मतलब रोज रात को जम कर मस्ती होती है और आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल लिव फॉर यू नो द फैमिली टाइम्स द कमिंग ऑफ टुगेदर एंड आई थिंक यू नो इंडियन ओकेशनज आर ऑल अबाउट दैट सिंदूरी बप्पा आपके घर पे हैं डेजी हमें पता चला था कि आप हर साल ये ऐसे ही मॉडल आप बप्पा का लेकर आती हैं ऐसी मूर्त लाते हैं क्या कुछ इसके पीछे एक वजह रही है आपकी जहाँ तक मेरा मानना है या जितना ही मुझे समझ है मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी चीज़ को आ, पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है राइट तो आपका जो थॉट प्रोसेस है या आप आपका जो थॉट है या जो आपकी नजरें हैं अगर वो सेम चीज़ को आप हमेशा दोहराएंगे तो hmm. वो आपको एक रिमाइंडर देता है कि यू आर ऑन द सेम ट्रैक दैट यू वॉन्ट टू बी सो आई थिंक दैट इज़ सम काइंड ऑफ आई डोंट नो मे बी ये सबकॉन्शियस मेरा थाट है इसलिए uh, मैं बापा की सेम मूर्ति लाती हूँ हमेशा और सेम uh, रूप की मूर्ति लाती हूँ एंड दैट्स अबाउट इट डेढ़ दिन के लिए आते हैं उनको भी क्यों चेंज करना है वही लेकर आए <laughs> कैसा रहा आपका ये साल uh, हमने आपके बहुत सारे एल्बम्स देखे आए हुए एंड इनफैक्ट uh, मैंने पिछले एल्बम में आपका इंटरव्यू भी किया था किस तरह का गया आपका ये साल अच्छा था कंपेरिटिवली uh, जो uh, बाकी के दो साल थे उससे बहुत ही अच्छा था uh, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना हुआ और uh, uh, सबसे बड़ी बात यह है कि पेंडेमिक में uh, इतनी अच्छी सीख है ना कि हम मुझे लोगों का नहीं पता मैं मेरी बात करूँगी कि हर चीज के पीछे भाग रहे थे और कहाँ जा रहे भाग के समझ में नहीं आ रहा है राइट तो इन चेजिंग द फ्यूचर वी आर नॉट लिविंग अ प्रेजेंट दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट लेसन दैट हैव टेकन फ्रॉम पेंडेमिक एंड हैव बीन वेरी सेशिएटेड एंड कंटेंट विथ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ एंड आई थिंक आई एम लिविंग माई लाइफ इन एक्सेप्टेंस और आई थिंक मेरा जो फेथ है भगवान के अंदर वो बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे इतना पता है दैट ही विल नॉट लीव मी अस्ट्रे एनी अच्छा जी ये बप्पा का सब कुछ हमने बात की आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लाइंड अप हैं लाइक नो एंट्री में एंट्री मिस्ट्री ऑफ टैटू रेस फाइव रेस फाइव फोर कहाँ गया नहीं ये सारे ख्याली पुलाव है बट नंद जो भी ये न्यूज़ बाहर दे रहे हैं जो मेरे नॉलेज में तो नहीं है सो आई एल थैंक दैम क्योंकि वो मेरे लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं सो इट्स अ गुड थिंग एंड प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं जिसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है वो एक शॉर्ट फिल्म है विच इज़ कॉल्ड एलिफेंट इन द रूम विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन गणपति एंड दज ना द फिल्म विच इज़ कॉल्ड मिस्ट्री ऑफ टैटू जिसका डबिंग फेस चल रहा है अभी सो आई एम होपिंग दैट वो फिल्म मे बी यू नो वन और टू मंथ इट शुड बी आउट क्या मांगा इस साल आपने पप्पा से <laughs> मैंने आई uh, थिंक बहुत सारे लेसन्स मिले लाइफ के अंदर उसके बाद में ये कंक्लूजन पे आई हूँ कि मैं अभी मंदिर में भी जाती हूँ या दरगाह पे भी जाती हूँ कहीं पर भी जाती हूँ मैं खाली यही बोलती हूँ कि भगवान मुझे वो दे जो मैं जिसे मैं संभाल सकूँ या यू you नो know, वो चीज़ें जिससे मैं डील कर सकूँ ना कि वो जो कि मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है पर आपको पता है तो आप मुझे वही देना जो मैं डिजर्व करती हूँ और जिसे मैं हैंडल कर सकती हूँ जाते जाते एक बार गणपति बप्पा मोरिया तो <laughs> गणपति बापा मोरिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत थैंक यू आपका डेजी एंड ऑल द बेस्ट वी वांट टू सी यू लाइक मोर एंड मोर एंड मोर ऑफन थैंक यू सो मच कैमरा पर्सन विनोद के साथ नवीन सिंह भारद्वाज ई मुंबई